हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल स्टडी विंग। आज हम बात करने वाले हैं कैरियर की। कैरियर को लेके हम कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि हमें कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए। सोचो, अगर आपको पहले से ही पता है कि कौन सा कैरियर आपके लिए बेस्ट है, किस में आप अच्छे से काम कर सकते हो या किस कैरियर के लिए आप बने हो, तो लाइफ में स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा और जिस कैरियर में हम काम कर रहे होंगे उसमें हमारी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सा करियर और कैसे चूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं एक डाटा एनालिसिस से। नेस्कॉम रिसर्च के हिसाब से हर साल हमारे इंडिया में 30 लाख से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 35% ही एम्प्लॉयबल है। एम्प्लॉयबल मतलब जिन्हें जॉब मिल पाती है, और अब उन्हें जॉब तो मिल गई, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। बाकी के 80% अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं। अगर मैं बात करती हूँ 15 to 29 ईयर्स के लोगों की, यानी कि यूथ की, तो उसमें से 30% लोग अनएम्प्लॉयबल और आइडियल हैं। मतलब ना तो उनके पास जॉब है और ना ही वो आगे की अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। इंडिया में गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम्स लेकर आती है, नए नए स्कॉलरशिप्स लेकर आती है, और स्पेशली दिल्ली में तो बहुत सारे करिकुलम इसी चीज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अपने कैरियर को लेके कन्फ्यूजन रहता है, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लैक ऑफ क्लियरिटी। हम खुद ही अपने आप में क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, पड़ोसी या रिश्तेदार आते हैं, बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज है, इसे IAS ऑफिसर बनना चाहिए, और उन्हीं की बात सुन के हम इसी चीज़ में घुस जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्कूल लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, इसी का एग्जांपल हमें सबसे पहले वहीं देखने को मिलता है। जब हमें अपने लिए स्ट्रीम चूज़ करनी होती है तो हम क्या सोचते हैं? फ्रेंड्स मेरे साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, और हम ऐसा कर लेते हैं। उस टाइम हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। हैरानी की बात तो ये है, जिस देश में 800+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 39,000+ कॉलेजेस हैं, और तो और 2 करोड़ स्टूडेंट कैपेसिटी है, जो देश वर्ल्ड का 3rd largest एजुकेशन सिस्टम होल्ड करता है, वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनके पर्सनैलिटी, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड के बेसिस पर करियर को चूज़ करने का ऑप्शन दे सकें। बड़े शहरों में इस चीज़ को लेकर चेंज आया है, लेकिन मेजॉरिटी आर नॉट वर्किंग फॉर दिस। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ गवर्नमेंट जॉब का, हमारे सामने बहुत से गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स आते हैं, हम सभी फिल कर देते हैं, UPSC, रेलवे, CDS एंड मैनी मोर। अब जिसमें सिलेक्शन हो गया, हम उसी में अपनी जॉब के लिए काम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे अब हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, और भरते भी हम इसी इंटेंशन से हैं कि सभी भर देते हैं, जिसमें सिलेक्शन होगा उसी में चले जाएंगे। लेकिन जिसमें सिलेक्शन हुआ है, अगर उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो हमें मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए मैं बोल सकती हूँ रॉन्ग करियर चॉइस भी अनसेटिस्फेक्शन का एक रीज़न है। अगर आप रॉन्ग करियर स्ट्रीम चूज़ करते हो तो ना तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप सेटिस्फेक्शन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और ना ही आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसे पूरे मन के साथ नहीं कर रहे हैं। तो ना तो सक्सेस मिली, ना आपको खुशी मिली, बचा क्या? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? हाउ टू चूज़ योर करियर। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है नोइंग योर सेल्फ। आपने ये सुना भी होगा, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगनिंग टू ऑल द विजडम। सबसे पहले हमें खुद को जानना है। हम में से ज़्यादातर लोगों की कमी क्या है कि हम खुद को जानते ही नहीं हैं, और इसका रीज़न क्या है? जिस टाइम में हम खुद को जान सकते हैं वो टाइम हम दूसरों को दे देते हैं, हम उन्हें जज करने में वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? उस टाइम को अपने ऊपर यूटिलाइज करना है, खुद को पहचानना है। अगर हम खुद को टाइम ही नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, या फिर व्हाट डू वी वांट टू डू। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर सकते हैं खुद को जानना। सपोज मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। फिर मैंने खुद को थोड़ा टाइम दिया और फिर मुझे पता चला आई एम जॉब ओरिएंटेड। तो ये मुझे पता कैसे चला? जब मैंने खुद को टाइम दिया, खुद को जाना। तो ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स पे काम करना होगा। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ स्ट्रेंथ।
हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है कि हम किस काम में अच्छे हैं, क्या काम हम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीकनेस। हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस का पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस काम में लैक कर रहे हैं, क्या हमारी कमी है, जिससे हम उस कमी को सुधार के अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकें। थर्ड इज शॉर्ट टर्म गोल। हमें अपने गोल्स को फिक्स करना है, शॉर्ट टर्म गोल को पहचानना है कि हमें एक महीने में या फिर एक साल में इस काम को पूरा करना है। उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स को भी जानना है कि मैं कुछ समय बाद या फिर कुछ सालों बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ या खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ। इन शॉर्ट, खुद का इंटरव्यू लो, टेक योर ओन इंटरव्यू। इससे आपको क्या पता चलेगा? आपका थॉट पैटर्न, आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सब कुछ जानने में आपकी हेल्प होगी, जिससे आप अच्छे से अपने बारे में जान पाओगे। अगर मैं इसी का एक एग्जांपल लूँ, जब भी हम कोई नया गेम डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसको कैसे खेलना है, या फिर जब भी कोई हम सामान खरीदते हैं तो भी हम सबसे पहले उसके फीचर्स के बारे में, उसके क्वालिटीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ये तो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है, करियर। तो इसके लिए क्यों ना हम टाइम दें, इसके लिए भी हमें टाइम देना ज़रूरी है। अब हमने खुद को जान लिया, खुद को जानने के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है समय की इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट। अपना इंटरव्यू लेने के बाद आपके सामने जो जो करियर ऑप्शंस आए हैं उन पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, उनको डिटेल में समझो और उनके ऊपर रिसर्च करो। बचपन में हम सारे गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हम सभी गेम्स ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उन्हें खेलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, मेरे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट में है। तो हमने उनको टाइम दिया, तभी तो हमें पता चला कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि खुद को जानने के बाद आपके सामने 4 से 5 या कितने भी करियर ऑप्शंस आते हैं तो आप उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे हो। उन पे टाइम इन्वेस्ट करके आपको क्या पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अब इन्हीं दो चीज़ों में आपको पहले में भी 2-3 पॉइंट मिलेंगे और दूसरे में भी 2-3 पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होगा वहीं आपको आपका मिलेगा मोस्ट सुटेबल करियर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है लाइफ का करियर, तो इसके लिए आई विल ऑल्सो एडवाइस यू करियर असेसमेंट टेस्ट। करियर असेसमेंट टेस्ट क्या है? करियर असेसमेंट टेस्ट के अंदर आपका होता है साइकोमेट्रिक एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एटीट्यूड टेस्ट, जिसकी हेल्प से आपको अपने इंटरेस्ट और आपके लिए क्या बेस्ट है इसका भी पता चलता है। कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट डिज़ाइन करते हैं। जब आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते हो तो आपको आपका इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सब कुछ दिखने लगता है कि आप किस में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और आपके सामने आ जाता है आपके लिए मोस्ट सुटेबल करियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। इसके लिए इंटरनेट पे भी बहुत सारे करियर असेसमेंट टेस्ट अवेलेबल होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। बेसिकली स्टार्ट होते हैं 1000 रुपीज़ से, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने भी अपने लिए रिसर्च की थी तो उसमें मुझे क्या पता चला, काफ़ी फेमस जो करियर गाइड्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं करियर गाइड का करियर असेसमेंट टेस्ट। ये सबसे बेस्ट करियर असेसमेंट टेस्ट माना जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको एक बार ज़रूर वो ट्राई करना चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, सो यू कैन गो फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कि क्यों वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसका रीज़न है कि इसके पीछे पूरी एक टीम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, जो आपके उस टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन वो करते हैं एक्सपीरियंस्ड के बेस पे। एक्सपीरियंस वो यूज़ करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स का। इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होने की वजह से आपको अपने लिए करियर चूज़ करने में काफ़ी इजी हो जाता है। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक कॉल लिंक भी डाला हुआ है। कॉल लिंक क्या है कि अगर आपको टेस्ट देते टाइम या किसी भी वजह से कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप तभी के तभी उनको कॉल करके उनसे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग या अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हो।
they are 24/7 available for you. You can have the conversation at any time. And they are the best counselor to advise you. आप starting में ही अपना career assessment test दो और अपने interest को पहचान लो. So last में मैं यही कह सकती हूँ कि अपने career को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से choose करना है और उसके लिए points को याद रखो. Lack of clarity, wrong stream choice, knowing yourself and investment. ये options आपको help करेंगे आपको सही career choose करने में.